अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से। तो सुबह का मैं कभी का खाना पका रही थी, तो मैंने अभी नाश्ता किया भी नहीं था, तो मैंने सोचा पहले मैं ना दाल रख देती हूँ गलने के लिए। सो मैंने कुकर में ऑलरेडी पानी डाल दिया था, एंड देन उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया था 1 स्पून, एंड उसके बाद मैंने इसमें बाद मैंने 1 स्पून मिर्च का डाल दिया। ये तो ऑलरेडी हर किसी को पता होता है। सो मैं अभी रोटी सेव कर रही थी आपके साथ, तो अभी मैं ये सारे रख दूँगी, उसके बाद मैं करूँगी अपना नाश्ता। वेल मैं आज थोड़ा सा देर उठी थी, तो मेरे खाने को ज़्यादा देर हो रही थी दोपहर को, तो इसलिए मैंने ये काम ऑलरेडी शुरू कर दिया था कि मैंने ये रख दूँ जब तक मेरा नाश्ता हो जाए, तो ये कुकर में ऑलरेडी पक भी जाए। तो यही ज़िंदगी के हालात होते हैं हर किसी के, होते हैं लड़की के सुबह से उठना खाना वाना। मेरी लाइफ जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होता है चलता रहता है। सो मेरी लाइफ जस्ट ऐसी नहीं है, हर किसी की लाइफ ऐसी है। बट मैं व्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मुझे लाइक एंड सपोर्ट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छे से ना व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ आपकी वजह से। मुझे हैटर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही, जो मुझसे अच्छे हैं मुझे अच्छा लगता है उसको मेरा वीडियो देखना। सो ये उनके लिए, इतनी ज़्यादा अच्छा व्लॉगिंग बनानी आती नहीं, बट इंशाल्लाह एकदम से इंशाल्लाह एक लोग ऐसे नहीं हो जाते, टाइम लगता है व्लॉगिंग करने में। सो आई होप आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा अच्छे से व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दूँ। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, अभी मैं थोड़ा घुमा रही हूँ। देन उसके बाद मैं ना इसको ऊपर ढक्कन दे दूँगी, ढक्कन को मैं अच्छा से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ें मैं एवं नहीं डालती वॉश करने के बाद, एवरीथिंग बाबा वॉश करती हूँ। सो उसके बाद मैं ढक्कन डाल दिया, अभी मैं छोड़ दूँ 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं लहसुन कुछ इस तरह से रख देती हूँ भिगोने के लिए, जितने भी लहसुन डालो। तो आप ये ना मेरे हैक ज़रूर ट्राई करना, वाटर में डाल देना आप जब तक आपकी दाल या कुछ मसाला वगैरह पके, तो इससे ना जल्दी से उतर जाते हैं इसके छिलके। तो उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ते की तरफ, तो अभी मैं नाश्ता कर रही थी इसको रख के। तो मैं ज़्यादा टी नहीं पीती, बिकॉज़ आई डोंट लाइक टी, बट मेरी नाश्ते के साथ कभी कभी रोटी के साथ हो जाती है। सो सिस्टर वाले साथ बैठे थे, इनकी पबजी जबजी चल रही थी, बिकॉज़ आई डोंट लाइक पबजी। सो उसके बाद दाल मेरी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसके बाद मैंने ना इसे जूसर मशीन में इसको ग्राइंड कर दिया, बिकॉज़ ये गली नहीं रही थी, मुझे बहुत लेट हो रहा था, ऑलरेडी लेट भी हो गया था। सो अभी मैंने इसकी अच्छी सी ना भुनमेशन में इसका जूस अच्छी तरह से बन गया था। देन उसके बाद मैंने टमाटर का ये ना पका लिए थे जो होते हैं प्यूरी, सो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी। सो देन पक गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि नाश्ता मैंने सही से नहीं किया था। तो ये मेरा नाश्ता है, सो अभी मैं इतना सा खाना खाती हूँ। मेरे को फिर हमने पास्ते बना लिए थे, तो ये होता है सेकंड सिस्टर का काम, जो बड़ी होती है, बड़ी तो हो जाती है, शादी हो जाती है, सेकंड नंबर तो हो जाती है भाई काम के लिए। सो उसके बाद मैंने ना ये पास्ता बना रही थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। दूसरी बेड गल ये है कि मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है जो मैं मोबाइल रख के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में होती है तो मैं ना व्लॉग अपना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। देन उसके बाद मैंने लहसुन डाल दी थी, या हर कोई पास्ता जिसे बनाते हैं, तो मैं ये ना अभी पास्ते बना रही थी, तो अच्छी तरह से उबल गए थे, तो मैंने इसको अच्छी तरह से बना लिया, क्योंकि ना हमारे यहाँ थोड़े स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, तो इसकी वजह से। तो मैंने बोला सिस्टर को सेल फोन आप पकड़ो, मैं इसको घुमा लूँ अच्छी तरह से, क्योंकि ये घूम नहीं रहे थे मेरे से। तो उसके बाद मैंने अपने हिस्सा निकाल लिया था एंड दूसरों को भी दे दिया, तो आराम से अभी मैं खा रही थी। तो खाते खाते हमारे घर में आ गए थे माशाल्लाह से गेस्ट, हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो उनको मैंने खाना दे दिया। तो 9:46 हो रहे थे, तो अभी मेरा टी हो गई। अम्मी ने बोला टी बना लो, क्योंकि गेस्ट हमें इसे जाने नहीं देते जब तक हम टी नहीं पीते, क्योंकि इट्स सिंधी लोग, सो इट्स टी इनकी शान है, ठीक है। तो अभी मैंने बोल ये चाय बना तो रही, हर किसी की शान होती है, हर किसी लवर होते हैं टी, बट आई डोंट नो मैं क्यों नहीं लवर हूँ, मुझे पता नहीं टी क्यों अच्छी नहीं लगती, मैं ज़्यादा पीती हूँ तो उल्टी आती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ज़्यादा मिल्क पीती हूँ, आई डोंट नो वाई, एंड मुझे ज़्यादा स्पाइसी भी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं। सो उसके बाद मैं ना चाय सर्व करने के लिए सोच रही थी कि जल्दी करो, अम्मी ने बोला जल्दी करो टाइम ओवर हो गया, गेस्ट जा रहे हैं। तो मैंने बोला मम्मा लेके आती हूँ, तो सिस्टर को बोला आप जल्दी से लेके जाओ, मैं दूसरों को सर्व करती हूँ। तो उसके बाद मैंने खुद के लिए भी टी बना ली थी, तो अभी मैं अपनी खुद की टी इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था सुबह से काम करके। तो उसके बाद हमने टी इन्जॉय की, उसके बाद ये जा रहे थे, तो हम इनको शेक कर रहे थे कि अल्लाह हाफिज़, इसकी सास थी तो इनको हमने अच्छे से सलाम किया। उसके बाद ये मेरे यहीं पे एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।